सही पता ना पता गलत है इश्क की बुरी लत छूटे नहीं Hello everybody! Well, this is me, Ritvik Dhanjani, with love stories, and more love stories. You know, लेकिन अक्सर मेरे मन में एक सवाल हमेशा उठता है कि यार love stories क्या होती है? What is love? You know, कई कई बार तो हम प्यार को खूब ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें प्यार मिल नहीं पाता और कई बार जब हम प्यार नहीं ढूंढ रहे होते तब प्यार हमें कहीं से भी ढूंढ के निकालते हैं. It's magical, isn't it? You know, कई लोगों के हिसाब से प्यार का पहला नाम दोस्ती है. लेकिन मुझे ये बताइए तब क्या होगा जब आपकी लाइफ में कोई रियल दोस्त हो ही ना. वेल, मेरे हिसाब से लाइफ है ना, लाइफ हमें बहुत सारे इशारे देती है, हमें सिर्फ उन इशारों को समझने की जरूरत है. जो समझ गया वो पार हो गया और जो ना समझा वो फंस गया इश्क के स्यापे. नाउ हमारी आज की कहानी है वंश की. वंश, बॉय फ्रॉम मुंबई. अब सिंपल सा लड़का, सीधी सादी जिंदगी जीने वाला, ना तो उसे प्यार की तलाश और ना ही उम्मीद कि उसे प्यार मिल पाएगा. बट वो कहते हैं ना कि इश्क के स्यापे से कौन बच पाया जो ये बच पाता, ये भी नहीं बच पाया. अब ये कैसे फंसा इस इश्क के स्यापे में, आइए देखते हैं. वेलकम टू ये है आशिकी स्यापा इश्क का, co-presented by Lava Smart. Let's watch. फ्रेंड से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, पर उनके ना होने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अब तक ना कभी किसी को मिस किया है, ना जरूरत महसूस की है, और शायद आज तक कोई ऐसा दोस्त मिला ही नहीं. Thank God. Ladies washroom में इतनी लंबी लाइन थी ना. Oh God. अगर मैं वहाँ पर खड़ी रहती, मैं मरी जाती, नहीं तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाती. यार at least knock तो कर देती. क्या? कुछ कहा तुमने? Trust me, मैं उसपे चिल्लाना चाहता था, पर वो जैसे ही बाहर आई तो. I'm really sorry. Beautiful. What? कुछ कहा तुमने? नहीं मतलब हाँ, I mean नहीं. By the way, just don't be embarrassed, sir. Please, मैंने कुछ भी नहीं देखा. लेकिन सुनो, तुम इस तरह से boys washroom में नहीं आ सकती. It's not good manners. I said no, I'm sorry. अब और क्या करूँ? Okay, let's make a deal. जब तुम्हें जरूरत होगी ना तो मैं तुम्हें गर्ल्स वॉशरूम यूज करने दूंगी. व्हाट से करने दूंगी. नहीं नहीं, थैंक यू. फेयर एनफ, राइट? ओके, इससे पहले कोई यहां आ जाए मैं यहां से निकलती हूं. बाय. और उस मोमेंट मुझे एहसास हुआ कि मेरे बुक्स मेरे लिए काफी नहीं थे.
उस दिन मैं गलत कह रहा था, वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल आई हैड एवर सीन। यार वो हमेशा खुश रहती थी, हमेशा हंसती रहती थी, कभी यहां तो कभी वहां, पर हमेशा खुश, वाइब्रेंट, फुल ऑफ लाइफ। ऐसी लड़की जिसके बारे में शायद मैं सिर्फ सोच ही सकता था, ये आपने बुक्स में पढ़ा था पर कभी देखा नहीं था। She was a dream. Excuse me. तुम मुझे घूरते क्यों रहते हो? मैं? कभी नहीं। मैं तो अपनी किताब पढ़ रहा था। Oh really? तब ऐसे ही जरा एक उल्टी किताब पकड़कर मुझे एक पैसेज पढ़ के बताओ। ये तो गलती से हो गया होगा। कितने शाई टाइप सो रहा तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं क्यों? I'm Angela. I'm Vansh. Vansh Chaudhary. Nice to meet you. Same here. मैंने तुम्हें जब भी देखा है तुम कोई ना कोई बुक पढ़ते रहते हो। बोर नहीं हो जाते? बोर क्यों? I love reading books. हाँ वो तो दिख ही रहा है, लेकिन अभी सब कुछ पढ़ लोगे तो जब बूढ़े हो जाओगे तब क्या करोगे? मतलब just think about it यार, थोड़ा chill करो, थोड़ी मस्ती करो, थोड़ा fun करो। fun करो मतलब? मतलब life को थोड़ा enjoy करो, थोड़ा बाहर जाओ, friends बनाओ। तुम्हें paintball अच्छा लगता है? मतलब, well, I have to take this call. Yeah. But now that we are friends, we're gonna talk about this, okay? I'll see you soon. Bye. बस ऐसे ही अचानक से मेरी लाइफ में आई और अनाउंस कर दी हम फ्रेंड्स हैं। ना कुछ पूछा, ना कुछ जानना चाहा, बस कह दिया। एंड सच बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या हो रहा है सर? सर इस लड़के ने मेरी लाइफ खराब करके रख दी है। वंश, ये क्या कर रही है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, आई डोंट नो। सर जो कुछ भी हुआ उसे कहता है कुछ भी नहीं हुआ। सर मैंने आज तक लड़की को फ्लाइंग किस तक नहीं दी, पता नहीं क्या कह रही है। तुम पागल हो क्या? व्हाट सी, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि बाहर आ जाओ,
तुम बाहर नहीं आए तो मैं ही अंदर आके तुम्हें लिखती हूँ। लेकिन मेरी क्लास है ना। तो क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे? This is my way. Okay? मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हें लाइफ जीना सिखाऊंगी। आज से तुम्हारी क्लास शुरू। Come on! सामने देखो और शूट। हाँ समझता हूँ सिर्फ पेनबॉल है, पर उसे देखकर उसे शूट कैसे करूँ? यार ये कैसा फन है? मतलब तुम उसे देख रहे हो वहाँ सामने? हाँ वहाँ पर वो। यस वो वो हमारे साथ नहीं खेल रहा। मर गया वो। तुम ठीक तो हो ना? खेलने जाती थी और हाँ वो ग्लेन को शूट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। बेटा चुप चुप के तो कोई भी शूट कर सकता है। एक गेम हो जाए, देखते हैं सामने रहकर कौन किसको पहले शूट करता है। ओहो डायलॉग तो देखो। बच्चू तुम दोनों अगर साथ में भी खेलोगे ना तो भी मुझे अकेले हरा नहीं पाओगे। चैलेंज? चैलेंज? You wanna try? Yeah. चल, let's go. Attack! आज उसको वॉइस पावर दिखाते हैं। चल। नहीं नहीं पर। अरे चल ना, मैं दिखाता हूँ तेरे। ओके। गाइस। I swear, Angela की हंसी से कंपेयर करने के लिए पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती थी पर मेरे लिए वो दोस्त से बढ़कर थी। क्या देख रहे हो? वो मैं देख रहा था तुम्हारे खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। ये बाल मैं तो सोच रही थी कि फुल टकलू हो जाऊं। कितनी अलग दिखूंगी ना मैं, सबसे अलग है ना। तुम पागल हो क्यों? अभी भी डाउट है क्या? ऑफ कोर्स हूं।
ओ शेरनी, तुम्हारा फोन बज रहा है। अच्छा, कौन है? सम डॉक्टर अंजलि सांघवी। आई नीड टू टेक दिस कॉल। ओके यार, बहुत ही पागल लड़की है, एकदम किसी पजल की तरह। मुझे नहीं लगता कभी इसे कोई समझ भी पाया होगा। हाँ यार, पजल की तरह तो है, पूरे दुनिया में ना एक लौती है। तू कहाँ मिला इसे? मैं और अंजला। हाँ यार, हम पहली बार कॉलेज के बॉयज वॉशरूम में मिले थे। क्या? नहीं, कुछ गलत मत सोचना। मैं बॉयज वॉशरूम में था और ये अंदर आ गई तूफान की तरह। मुझे जाना है, मुझे जाना, मुझे जाना है। It's damn funny, man. मैं तो एकदम मिसेज। It's crazy. और तू कैसे मिला उसको? यार, मैकेनिक के पास गया था। वहाँ ये मैडम मैकेनिक का दिमाग खा रही थी। I'm sure. मैकेनिज्म सीख रही थी उससे। ऑयल कहाँ डालता है, पानी कहाँ डालता है। I mean, literally irritate कर रही थी उससे। I know. वहीं मिले मैं और रिया उससे। That's sweet, yeah. And you know what? मिलते ही सबसे पहले उसने राजीव की स्माइल पे कमेंट किया। Oh. I mean seriously, उसकी जगह कोई और लड़की होती ना, तो I would have been jealous. But एंजेला की बात ही कुछ और थी। शी इज वेरी स्वीट, यू नो, सबसे अलग। दैट्स व्हाई आई लाइक हर। हे गाइस, लुक हूज हियर, मीट माय न्यू फ्रेंड हरिलाल। हाय। सो हरिलाल के नाम बाहर पानीपुरी की स्टॉल है एंड ही मेक्स अमेजिंग चाट। अच्छा, आप हमारे लिए बनाओगे ना चाट? थैंक यू हरिलाल। चलो, अपने नए दोस्त को कुछ काम भी करने दो। बताया था ना, शी इज सो क्रेजी। तुम कुछ भी करती हो यार। कुछ भी बोलो, लेकिन तुम ना पेनबॉल में बिल्कुल फेल हो। 3 मिनट में 2 बार शूट कर चुकी हो तुम्हें। You're such a loser, यार। By the way, tell me something. ये तुम जानबूझ के तो नहीं करते ना? Tell me ना। अंजला, वो क्या है ना कि तुम जब हंसती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो, और जब जीतती हो तो बहुत खुशी से हंसती हो। मुझे बहुत पसंद है। या राइट, सब इसीलिए तुम मुझे जीतने देते हो। अरे यार, अब तुमने पहले कहा कि खुश रहो, फन करो, अब जब कर रहा हूँ तो तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है। अब तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो तो लगती हो, क्या करूँ? सच। या राइट। वैसे तुम बहुत थकी सी लग रही हो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। तुम ये खा लो, मैं और शेल्स लेके आता हूँ। लिसन, आज के लिए काफी है, जाते घर पे। आज के लिए काफी है? यार डूड, ये तुम कह रही हो एक राउंड में? वाह, आई नो के लिसन, ना स्मार्ट मत बनो के, मैं भी थक जाती हूँ कभी कभी। ठीक है बाबा। पिल्स किसके लिए? ये विटामिन्स की टैबलेट्स चाहिए तुम्हें? नहीं, वो तो ये है तुम्हारी सीक्रेट एनर्जी का राज। वैसे अंजला, एक बात बोलूं? तुम सिर्फ मेरी एक फ्रेंड नहीं हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। Yeah, right. अरे, I'm serious. मेरी best friend भी और मेरी इकलौती friend भी। पता है, तुमसे पहले जब 5 साल का था तब मेरा एक दोस्त था, आकाश। तब वो था और आज तुम हो। Vansh, are you serious? Yeah. तुम अपनी लाइफ में इतने अकेले अकेले क्यों रहते हो? दोस्त क्यों नहीं बनाते? अरे, अब कहाँ, रहता हूँ ना तुम्हारे साथ, मस्ती करता रहता हूँ। वंश, वैसे नहीं। फिर? I mean generally, अब मुझे देखो, मैं कभी बाहर जाती हूँ तो ऐसे फ्रेंड्स बना लेती हूँ। You and me, हम दोनों एक वॉशरूम में मिले थे और आज हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे बातें नहीं करती तो तुम तो मुझे देखते भी नहीं। ऐसे
वंश, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तुम्हें लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, हैंग आउट करना चाहिए सबके साथ, और इस सब के लिए मुझ पर मत डिपेंडेंट रहो। वो कहते हैं ना, लाइफ लंबी हो या ना हो, लेकिन मोमेंट्स बहुत सारे होने चाहिए, ढेर सारे। इसलिए प्रॉमिस मी वन थिंग कि तुम नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करोगे, हैंग आउट करोगे, चिल करोगे, जितनी मस्ती चाहिए उतनी सब करोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर ट्राई जरूर करूंगा। पक्का? पक्का। That's like a good boy. Come on. मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। ओके, यू आल्सो कैन चेंज। उस दिन उस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे झूठ कह रहा था, एंजेला से या अपने आप से। एंजेला सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड भी नहीं थी, उससे भी ज्यादा थी वो मेरे लिए। और ये मैं उससे कैसे कहता। ग्लेन के पेनबॉल सेशन के बाद एंजेला से बात करके ये तो समझ में आ गया था कि मैं अपनी फीलिंग्स उससे कभी बता नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने दूसरा रास्ता चूज किया, लिखने का। और मुझे लगा ये आसान होगा, और गॉड डैम इट, इतनी सारी बुक्स पढ़ के भी एक छोटी सी चीज नहीं लिख पा रहा था, पर ये मुझे कैसे भी करना था, सो आई केप ट्राइंग। खेलते घूमते मस्ती करते हुए सेमेस्टर खत्म हो गया, पता भी नहीं चला ना। हाँ यार, तुम्हारे साथ वक्त वैसे भी पता नहीं चलता। यू आर मैजिकल। मैजिकल? रियली? एनीवे, तो वेकेशंस के लिए कहाँ जा रहे हो? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। सीरियसली? आई मीन, तुमने कोई नई बुक्स नहीं उठाई? रियली? हम किडिंग। नहीं, और वैसे भी तुम्हारे साथ रहता हूँ, बुक चलाने का क्या फायदा है? तुम शिकायत तो नहीं कर रहे? Of course not. I like every moment that I spend with you. Well, मैं एक मंथ के लिए out of town जाऊंगी। एक मंथ के लिए? तो तुम्हें जितनी बुक्स चाहिए उतनी पढ़ लेना, without any disturbance. पर एक बात बोलूं, कभी कभी ना ये boring सी बुक्स छोड़ के अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल के have some fun, okay? Have fun without you. मुझसे नहीं होगा यार, बहुत अजीब होगा, but कोशिश करूँगा, I'll try. Thanks, Vansh. एक बात बोलूं? I'm gonna really miss you. I'm gonna miss you too. और जब भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा miss करूँगी ना, तब कोई boring सी book पढ़ लूँगी। कभी-कभी call भी कर लेना। Network मिला तो वो भी कर लूँगी। Anyway, I'll go now. Bye.
Don't miss me too much. अरे अगर रोना जाए ना तो रो लेना. मैंने एंजेला को जो लेटर लिखा था उसमें साफ मेंशन किया था कि एक बार उसे पढ़ ले तो मुझे कॉल करे. पर इट्स बीन 3 डेज, उसका एक कॉल क्या, एक मैसेज भी नहीं आया. कहीं वो मुझे नाराज तो नहीं हो गई या फिर बस नेटवर्क एरिया में नहीं होगी. कहीं ऐसा तो नहीं कि लेटर की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही. ऐसे वेट करता रहा तो मर ही जाऊंगा. मैं ही कॉल करके पूछ लेता हूँ. This number is out of range. जब से गई है तब से उसका फोन स्विच्ड ऑफ या फिर नॉट रीचेबल है. कहाँ हो यार तुम? एक महीना हो गया तुम्हें देखा नहीं है. वेयर आर यू? ना क्लास में, ना कैंटीन में, ना कॉरिडोर में. कहाँ हो तुम एंजेला? आई मिस यू यार. कहाँ हो तुम? Hi. Have you seen Angela? I don't know. मैं वेट करता रहा पर एंजेला पूरा दिन कॉलेज नहीं आई. मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसे कहाँ ढूंढूँ, कहाँ मिल जाऊँ, क्या करूँ. फिर अचानक से मुझे स्ट्राइक हुआ कि शायद छुट्टी से लौटते ही वो सीधा पेनबॉल खेलने गई होगी. आफ्टर ऑल शी लव्ड इट. वो सारे लोग जिन्हें वो अपना दोस्त कहती थी, ग्लेन, राजीव, रिया, उनमें से कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है या कहाँ रहती है. उसने इस एक महीने में किसी से भी बात नहीं की थी. उसने अपने सारे अकाउंट्स भी डीएक्टिवेट कर दिए थे. ये क्या हो रहा था? कुछ ठीक नहीं था पर आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि मैं सिर्फ इंतजार नहीं कर सकता था. मुझे जानना था कि एंजेला कहाँ थी. मुझे पता करना था कि वो ये सब मेरे लेटर की वजह से तो नहीं करी पर कैसे. ओ शेरनी, तुम्हारा फोन बज रहा है. कौन है? सम डॉक्टर अंजलि सांगवी. मैम आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए. मुझे सिर्फ उसका नंबर चाहिए. सिर्फ जानना चाहता कि वो कहाँ है. आई एम सॉरी, हम ऐसे ही किसी भी पेशेंट की पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते. आई गेट इट बट एंजेला रिक्रूस, आपने उसको कुछ दिन पहले कॉल किया था शायद उसके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए. मुझे बस उसका एड्रेस चाहिए. एंड व्हाट्स द बिग डील डॉक्टर? सी नो यू सी मैम, आई एम सॉरी मैम, जस्ट प्लीज स्टैंड अंडरस्टैंड. एक मिनट के लिए मेरी बात समझ तो लीजिए. मैंने एंजेला को एक लव लेटर लिखा था पर तब से हमारी बात ही नहीं हुई है. ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं डॉक्टर. एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू लुक फॉर हर एवरीवेयर, कहीं पर नहीं मिली. सब लोगों से पूछा, जहां पे भी वो जाती है फ्रीक्वेंटली वहां पे भी गया लेकिन वो वहां पे नहीं है. एंड यू माय लास्ट होप डॉक्टर, सो प्लीज अंडरस्टैंड एंड जस्ट गिव मी द एड्रेस. नो मैं समझता हूँ कि आप किसी पेशेंट का एड्रेस नहीं दे सकते, फेयर इनफ, मत दीजिए. पर प्लीज एंजेला का एड्रेस दे दीजिए मुझे प्लीज. यू नो माय स्पेशलाइजेशन? या मैंने वो बाहर पढ़ा था, वो ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट. किसी भी पेश एंजॉय करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, हैंग आउट करना चाहिए सबके साथ. और इस सब के लिए मुझ पर मत डिपेंडेंट रहो. वो कहते हैं ना, लाइफ लंबी हो या ना हो, लेकिन मोमेंट्स बहुत सारे होने चाहिए. तुम्हारे खुले बार बहुत अच्छे लगते हैं. नहीं!
मैं सोच रही थी कि फुल टकलू हो जाऊं, कितनी अलग दिखूंगी ना मैं, सबसे अलग है ना। Yes. Hi, auntie. Hi. My name is Vansh. मैं अंजला का दोस्त हूँ। बोलो। अंजला है? नहीं, वो घर पे नहीं है। आंटी प्लीज एक सेकंड। आंटी प्लीज अगर वो घर पे तो मुझे उससे मिलने दीजिए आंटी प्लीज। अंजला किसी से नहीं मिलना चाहता। मतलब वो है, वो घर पे है राइट? आंटी इज शी फाइन? आंटी कैन आई प्लीज मीट हर वंस? आंटी सिर्फ एक ही बार। नो सॉरी सर। तुमसे बात नहीं की है मैंने, ना तुमको देखा है, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए देखने आ गया तुमको। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आई, तुमने मेरे लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने पढ़ा तो एंजेला कॉल क्यों नहीं किया, एक टेक्स्ट ही कर देती यार। क्या कॉल करके बोलती, क्या बोलती कॉल करके कि जो भी तुम मेरे बारे में जानते हो वो सच नहीं है, या फिर मैं जो हूं वैसी मैं हूं ही नहीं। Vansh, I'm dying. Don't. I'm struggling how to survive. इस सबके पीछे मैं कैसे तुम्हें कह पाती कि That I love you too. You love me? Yes, of course I do. वो कुछ दिन जो मैं अपने सारे टेंशन्स पीछे छोड़ के जी रही थी, उसका एक रीजन तुम ही तो थे Vansh. पेनबॉल में तुम जानबूझ के हार जाते थे मुझे खुश देखने के लिए। yeah. मेरे लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी बार लाते थे, मेरा इतना ख्याल रखते थे, कैसे प्यार नहीं करती तुमसे। I'm sorry Vansh. I'm really sorry कि तुमने रॉन्ग लड़की चूज कर ली। अब मैं वो सब नहीं हूँ जो तुम्हें अच्छा लगता है।
हाँ तुम सही कह रही हो, तुम वो लड़की नहीं हो जो मुझे अच्छी लगती थी, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। एंजेला तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, एंड आई लव यू। पता है ऑनेस्टली तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी होप, तुम्हारी जिंदगी जीने का तरीका, मैं आज तक ऐसे किसी लड़की से नहीं मिला। Not that I've met a lot of girls, but Angela, let me add to this strength, this hope, this life of yours. Let me make a difference. मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। I want to live life with you, and I really love you. मुझे जीने तो तुम्हारे साथ। पता है क्यों? क्योंकि किसी बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल इंसान ने मुझे एक बार कहा था कि कल के डर से हमें आज जीना बंद नहीं करना चाहिए। कौन था वो? तुम। मुझे अपनी जिंदगी में रहने दो प्लीज। इश्क की उलझने, इश्क की कश्मकश, जाए किस रास्ते ना रहा दिल पे बस, ना सही पता ना पता गलत है इश्क की बुरी लत, झूठे नहीं कमबख्त सी, कमबख्त सी ये आशिकी, ये आशिकी मदमस्त सी, मदमस्त सी ये आशिकी। कैंसर ने उसकी बॉडी को बहुत वीक कर दिया था, पर उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हिम्मत थी। वो हार मानने वाले दिन पैदा ही नहीं हुई थी। She still wanted to have fun. फिर रब से पहले यार हो, इसमें सुकून, इसमें मजा, ये है बला, ये है सजा, मुश्किल बड़ी। मुझसे नहीं होगा। अरे ऑफकोर्स ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी हम आज पहली बार एक टीम बने हैं, सबको हरा दें। चले I love you. I love you too, Angela de Cruz. She was magical. उसकी एक हंसी सब कुछ ठीक कर सकती थी। उसके आसपास कोई शायद हो ही नहीं सकता था। I know यहाँ से आगे की जर्नी आसान नहीं है, पर जब ट्रैवल पार्टनर एंजेला जैसा हो, it's worth it. You know वो सही कहते हैं कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी होना। You know, true love is so powerful कि वो किसी हारे हुए इंसान को भी जीतने की ताकत दे देता है। Well, यहां पर Angela was always a fighter, लेकिन वंश के प्यार ने Angela को सिर्फ मोटिवेट किया, उसे अपने कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने की ताकत दी। सच्चा प्यार। उसकी ट्रीटमेंट कई सालों तक चली, but then finally she won. Actually, they won. उनका प्यार जीता, उनके प्यार की ताकत जीती। क्या आपके प्यार में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है? Well, अगर है तो किसी भी लड़ाई से डरेगा मत। इस बिकॉज अगर आपका प्यार सच्चा है तो जीत आपकी होगी। Well, ये थी वंश और एंजेला की कहानी। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी। तब तक के लिए जस्ट लुक अराउंड यू, लव is everywhere, isn't it?
I'll see you next week. पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती थी, पर मेरे लिए वो दोस्त से बढ़कर थी। ऐसी कहानियां और देखनी है? Well then, click below for more episodes from Bindass. ये है आशिकी. Click here for more shows from Bindass. और Bindass से सारी अपडेट्स जानने के लिए click on the subscribe button.